हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 से, और ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग कुछ ड्रग्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये ड्रग्स का नाम है जो फंक्शन करते हैं एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। कैसे वर्क करते हैं? एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इनमें अंतर क्या है, क्या होते हैं एंटीसेप्टिक्स और क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक, बच्चों कोई कुछ बताना चाहेगा? ठीक है, कमेंट कर सकता है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक वो दवाइयां होती हैं जो 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 लिविंग थिंग्स पर अप्लाई की जाती हैं, लिविंग थिंग्स पर अप्लाई की जाती हैं, है ना। होती दोनों की दोनों टॉपिकल है। कैसी होती दोनों की दोनों? टॉपिकल। टॉपिकल मतलब ऊपर से लगाई जाएंगी, बॉडी के अंदर नहीं डाली जाएंगी, ठीक है ना। ये लिविंग थिंग्स के लिए होती हैं, और डिसइंफेक्टेंट होते हैं नॉन लिविंग, जैसे कि हमने पोछे में लगाकर डाल दिया या लैट्रिन बाथरूम में डाल दिया। तो नॉन लिविंग यानी कि सरफेस के ऊपर लगाते हैं, ये नॉन लिविंग सरफेस लिख देते हैं, अप्लाई ऑन नॉन लिविंग सरफेस, जो कि ऐसे सरफेस जिनमें जान नहीं है उनके ऊपर हम लोग जो दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, कोर्स में जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है केवल उसी का ही स्ट्रक्चर हमको यह लर्न करना है। जिसके ऊपर स्टार नहीं है फिलहाल, यहाँ किसी के ऊपर स्टार नहीं है, उसका हमें स्ट्रक्चर को लर्न नहीं करना है। अगर मैंने लेक्चर बीच में लेक्चर स्ट्रक्चर दे भी दिया है तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो केवल कुछ बातें हमको इसकी पढ़नी होती हैं, और वो क्या बातें हैं? देखो, किसी भी चीज की, किसी भी ड्रग की हमको क्या क्या बातें समझनी है। उस ड्रग का नॉमोक्लेचर जानना है, नॉमोक्लेचर कैसा है, ठीक है। उस ड्रग का हमको क्या जानना है? केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। केमिकल स्ट्रक्चर सबका नहीं है, केमिकल स्ट्रक्चर केवल उनका है जिनके आगे स्टार लगा हुआ है। क्या यूज है उनके, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टेबल किस कंडीशन में रहते हैं, कैसे हमें उन्हें स्टोर करना चाहिए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन जो उनके बनाए जाते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, किस किस रूप में होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया में है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में है, और या किसी के साथ मिक्सचर के तौर पर बनाए जाते हैं, और पॉपुलर ब्रांड नेम, मार्केट में अगर कोई ब्रांड की मौजूद है तो वो किस कौन सी है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो 7 ड्रग्स कौन कौन से हैं? प्रोफ्लेविन, बेंजलकोनियम क्लोराइड, फिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल। वीडियो पॉज करके अगर तुम लोगों के घर में डिटॉल है तो डिटॉल में जाके देख सकते हो तुमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोजाइनोल मिल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, हेक्साक्लोरोफीन, वर्ड को सही से प्रोनाउंस करना, हेक्साक्लोरोफीन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो आओ बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक ड्रग को लेकर के, कि एक एक ड्रग्स की ये जो 8 प्रॉपर्टीज हैं हमको समझनी है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ड्रग है हमारे पास प्रोफ्लेविन। क्या बोल रहा है? द बेसिक कंपाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफ्लेविन इज एक्रिडिन, ठीक है। प्रोफ्लेविन, ये प्रोफ्लेविन नहीं है, ये एक्रिडिन है। दो बेंजीन रिंग साइड में लगी हुई है, देखो ये बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग ये है, दिस इज द बेंजीन रिंग। ये क्या है? बेंजीन रिंग है। दो बेंजीन रिंग को ला करके ऐसे इस तरीके से पायरिडीन से जोड़ दो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बीच का स्ट्रक्चर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरिडीन बोलते हैं, ठीक है ना। इन दिस स्ट्रक्चर अ पायरिडीन न्यूक्लियस, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? पायरिडीन। पायरिडीन हमारा कैसा हो जाएगा? इस टाइप से, ओके, इज फ्यूज्ड विद द 2 बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग के साथ ला करके इसे फ्यूज कर दिया, एज शोन, जैसे कि यहां पर दिखाया जा रहा है। क्लियर है बातें? अब देखो है क्या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफ्लेविन। अब कुछ नहीं है इसमें, जब हम लोग अमीन ग्रुप को और जोड़ देते हैं साथ में NH2 और NH2, अब जाकर के मेरा क्या बन गया? ये प्रोफ्लेविन बन गया है। तो ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर तुमको लर्न करना है, ठीक है ना। वो भी कर सकते हो, ठीक है, अगर नंबर ज्यादा चाहिए लिखना पड़ेगा तो उसको भी लर्न कर सकते हो। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? 3-6 डाई अमीनो एक्रिडिन। क्या है इसका नॉमेनक्लेचर? 3-6 डाई अमीनो एक्रिडिन।
क्लियर होगी बातें, नॉमेनक्लेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आगे देखें क्या है। कह रहा है प्रोफ्लेविन कंबाइन विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के आधे मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनाता है वो होता है प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट। क्या होता है? प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट। यही जो प्रोफ्लेविन है वो एक्चुअल में प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट की फॉर्म में यूज किया जाता है। किसकी फॉर्म में यूज किया जाता है? प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट की फॉर्म में। बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या समझना है? देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसकी ऊपरी प्रॉपर्टी है ना, ऊपरी मतलब जो ऊपर से देख सकता है, क्या टेस्ट कलर स्मेल, ठीक है ना, टेस्ट कलर स्मेल, वो मतलब ऐसा तो नहीं हवा के साथ मिलके, जैसे नमक क्या करता है, नमक को अगर मॉइस्चर हो तो नमक पानी के साथ मिलके कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ऐसी कोई चीज तो नहीं दिखा रहा है। तो जिस चीजों को हम लोग अपनी आंखों से सूंघ कर या देख कर पता लगा लें वो सारी प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और ये किसकी है? ये प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट की है। तो क्या है? इट इज ऑरेंज टू रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है। कैसा पाउडर है? ऑरेंज टू रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब बता दे रहा हूं किसी को नहीं पता है, ऑर्डरलेस मतलब नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं होती है, किसी भी टाइप की खुशबू या बदबू नहीं आती है। बिटर, बिटर का मतलब कड़वा होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को सोखता है, पानी को क्या करता है? सोखता है, ठीक है। कहां से? हवा से, पानी को सोखता है हवा से। स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, स्लाइटली मतलब बहुत ही हल्का सा कोल्ड वाटर, ठंडा पानी होगा तो बहुत कम उसके अंदर सॉल्युबल होगा। और फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डाल दो तो फटाक से क्या होता है? घुल जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हैमी सल्फेट की, तो केमिकल प्रॉपर्टी यहां से स्टार्ट होती है हमारे पास। अगर हम इसको क्या कर दें? डायल्यूट कर दें पानी के साथ। डायल्यूट मतलब डायल्यूट पता ना, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा पानी डालें, तो आ ग्रीन फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि रेडियम चमकता है ना, रेडियम पता है, जैसे जुगनू चमक रहा है, रेडियम चमक रहा है, रेडियम पता है ना घड़ियों में और लैंप्स वगैरह में रेडियम लगा होता है, तो ग्रीन कलर की चमक आ जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिला दें तो ये ब्राइट रेडिश ऑरेंज है ना, काफी चमकदार लाल ऑरेंज, नारंगी और लाल कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट ऐसे समझ लो कि सॉलिड जो दानेदार चीजें होती हैं वो, जब ऐसे मान लो दो पानी मिला दिया और उसमें कुछ सॉलिड से निकल के जब बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक सॉलिड फॉर्म होता है पाउडर की फॉर्म में। ये सॉलिड होता कैसा है? पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये फॉर्म होता है किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो देखो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो थोड़ा परेशान करेंगी, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टी लर्न करने वाली चीज है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो कब स्टेबल रहेगा ये? इट इज सिंस इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, लाइट इसको असर डालती है, इसीलिए इट मस्ट बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, एक ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो कि क्या है? वेल क्लोज्ड, एकदम टाइटली टाइट हो एंड लाइट से बचा सके वो कंटेनर। अच्छा, लाइट से जिन दवाइयों को खराब होने की शंकाएं होती है, दवाइयों की बोतल देखिए वो ब्राउनिश ब्लैक कलर की रहती है ना, जो सिरप वगैरह आते हैं ब्राउनिश ब्लैक कलर के रहते हैं, वो जो ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है शीशियों का वो लाइट को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। जैसे काला चश्मा लगा लो तो आंखों पे लाइट नहीं आती है, ठीक उसी तरीके से जो ब्राउनिश ब्लैक बॉटल्स होती हैं वो लाइट को अंदर जाने से क्या करती है? रोकती है। तो इसीलिए एक तो काफी टाइट बंद रखेंगे और ऐसी जगह रखेंगे या तो जहां लाइट ना हो, और अगर गुंजाइश है कि उसको हमें धूप में लेके जाना पड़ रहा है तो ऐसे कंटेनर में लेके जाएंगे जो अंदर लाइट को जाने ना दे। क्लियर होगी बातें। यूज की बात करें तो ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मारेगा, किल करेगा। कितना परसेंट? 0.1 से लेके 1%। ओके, लो कंसंट्रेशन में जब इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम रखेंगे तो ये एंटीसेप्टिक है, हमसे ध्यान रखो। सेम मेडिसिन अगर उसका कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होगी, हमारी स्किन जो होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, और जो फर्श वगैरह है, टॉयलेट वगैरह है, वहां पे तो नॉन लिविंग मतलब उसमें तो कुछ चीज है नहीं, वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी काफी कैसे होते हैं, पूरे पूरे किल करने होते हैं, सफाई ज्यादा चाहिए होती है, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं? हाई कंसंट्रेशन, उसी मेडिसिन को अगर हम हाई कंसंट्रेशन फॉर्म में यूज करेंगे तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होने लगती है। अगर हम हाई कंसंट्रेशन अपनी स्किन पर रखेंगे तो हो सकता है वो दवा क्या हो जाए बॉडी के अंदर,
पेनेट्रेट होके चली जाए, पेनेट्रेट मतलब स्किन से पार होके अंदर ब्लड में चली जाए और वो हमको क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है, ठीक है, हमारे बॉडी में पॉइजन की तरह एक्ट कर सकती है। फॉर्मुलेशन कैसे होता है, फॉर्मुलेशन में इसको कैसे यूज किया जाता है, प्रोफ्लेविन हेमी सल्फेट। ये देखो बच्चे फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, दवाई का पत्ता देखना, कोई मेडिसिन ले लो, ठीक है, चाहे सिरप ले लो चाहे मेडिसिन ले लो, यहां पे लिखा होगा कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट, उसमें मान लो जैसे लिखा हुआ है कंपोजिशन, उसमें लिखा रहेगा पैरासीटामोल, क्या लिखा रहता है, पैरासीटामोल 350 IP, ऐसे लिखा रहता है अगर तुम कायदे से देखोगे, अगर आईपी या बीपी, तो ये जिसका फॉर्मुलेशन ये हो गया पैरासीटामोल किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, आईपी या बीपी, ठीक है ना, कोई ग्राम या एमजी है तो उसकी वैल्यू लिखी रहती है, अदरवाइज प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट IP66 इस रूप में क्या होता है, ये दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। क्लियर आ गया, फॉर्मुलेशन हो गया, देन है हमारे पास, ओके ये हो गया हमारे पास फॉर्मुलेशन, और यहां पर शायद इसका ब्रांड नेम लिखना भूल गया हूं, कोई बात नहीं उसको मैं बता दूंगा बाद में। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, प्रोफ्लेविन पूरा हो जाता है, और नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्या, बेंजलकोनियम क्लोराइड, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बेंजलकोनियम क्लोराइड। आप जानते हैं इसके बारे में कुछ, क्या है ये बेंजलकोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या करो, यहां तक अगर पढ़ लिया है तो वीडियो को पॉज करके वापस रिपीट करके तो वापस रिपीट सुने इसको, और नोट्स बनाते हुए साथ साथ चलें, ठीक है। सेकंड पे आते हैं बेंजलकोनियम क्लोराइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज ए मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर है किस किस का, अल्काइल बेंजाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब देखो अल्काइल बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल डाइमिथाइल, एक मिथाइल ये है एक मिथाइल ये है, डाइमिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, तो ये तीन चीजों का मिक्सचर है, अल्काइल बेंजाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है बट समझाने के लिए मैंने इसको यहां पर दे रखा है। दे आर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, देख लो ये इसके चारों वैलेंसी इस्तेमाल हो रही है, जब अमोनिया की चारों वैलेंसी इस्तेमाल हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वार्टरनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी, क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्वार्टरनरी बोल देंगे। तो ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये व्हाइट येलोइश व्हाइट पाउडर है, व्हाइट और येलोइश व्हाइट, जेलेटिनस है, कई बार ये जेल जैसा, जेल टाइप है ना, जैसे बाल वालों में लगाते हो तुम लोग, जेल जैसी चीज होती है वैसा रहता है। एरोमा खुशबूदार होता है, टेस्ट बिटर है, कड़वा होगा, हीट करेंगे तो सेमी सॉलिड चिपचिपे से मास में बदल जाएगा, ये सोल्यूबल होता है किसमें, अल्कोहल एंड वाटर में, क्लियर है। तो ये इसकी क्या थी हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या बोला, डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब टूट जाना, टूट जाना, ऑन एडिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 डालते हैं इसके अंदर और मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, ठीक है ना, ये ब्रेक कर जाएगा, जो मेरे पास ये पूरा अच्छा खासा कंपोजिशन था ये पूरा कंपोजिशन क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, अगर मैं इसमें क्या मिला दूं, नाइट्रिक एसिड HNO3 डाल दूं या मर्क्यूरिक क्लोराइड को यहां पर मिला दूं तो ये ब्रेक कर जाएगा। कह रहा है व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब मैंने बता दिया था, पाउडरी सॉलिड टाइप का फॉर्म होता है ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, जो जब ये टूटेगा तो सफेद सफेद पाउडर जैसा बनता है ये, और वो सफेद पाउडर क्या होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ठीक है। बेंजीन न्यूक्लियस कैन बी नाइट्रेटेड, जो बेंजीन न्यूक्लियस है इसका, ठीक है ना, जो बेंजीन वाला पार्ट था, ठीक है, इस तरह से बेंजीन वाला पार्ट है, कैन बी नाइट्रेटेड बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेटेड मतलब उसके अंदर हम NO2 को एड कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें NO2 को जोड़ सकते हैं, कैसे, अगर हम इसको रिएक्ट करा दें कंपाउंड को किससे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पता है ना क्या होता है, H2SO4 से, एंड पोटेशियम नाइट्रेट, और किससे, KNO3 से, अगर हम इन दोनों से इसको रिएक्ट करा देते हैं तो मेरे बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगी, नाइट्रेट से, इस नाइट्रेट से NO2 निकल करके यहां जुड़ जाएगा। द नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस टू अमीनो ग्रुप व्हेन हीटिंग विद जिंक पाउडर, अगर इसी को मैं फर्दर रिएक्ट करा दूं किससे,
जिंक के, जिंक के पाउडर से रिएक्ट करा दूं तो यही मेरा कंपाउंड किस्म बदल जाएगा। अच्छा कंपाउंड पूरा मैं केवल बेंजीन रिंग लेके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, साथ में कंपाउंड पूरा रहेगा। ये मेरा NH2 अमीन ग्रुप में है ना, O से H में आ गया इसलिए लिखा हुआ है रिड्यूस हो गया। जब O H में कन्वर्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो गया। किससे हीट कर रहे हैं, जिंक पाउडर से। अमीनो ग्रुप डाइएजोटाइज्ड, ठीक है। इसी को फर्दर आगे हम क्या कर देंगे, सोडियम नाइट्राइड NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्राइड एंड एसिड, कोई एसिड ले लेंगे HCl, इससे जब रिएक्ट करा देंगे तो ये जो मेरा कंपाउंड है, ये जो NH2 वाला था, ये यहां पर इस NH2 को अब मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं, यहां पर है ना डाई एजोटाइजेशन पड़ा होगा, ये अमीन मेरा किसे बदल जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ये मेरा किस्म बदल जाएगा, बदल सकता है इसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है डाई एजोटाइजेशन। तो ये कह दिया है डाई एजोटाइज्ड विद सोडियम नाइट्राइड एंड HCl एसिड के साथ विद बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल सॉल्यूशन गिव ऑरेंज रेड कलर ड्यू टू एजोडाइज फॉर्मेशन। अगर हम इसको फाइनल किससे रिएक्ट करा दें, बीटा नेप्थोल से, तो एक्चुअली N डबल बॉन्ड N, इस टाइप का स्ट्रक्चर बीच में फॉर्म होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड एजो, ये क्या होता है, एजो कहलाता है। तो इसकी फॉर्मेशन की वजह से ये क्या देगा, ऑरेंज रेड कलर देगा। अब इतना सारा रिएक्शन या स्ट्रक्चर तुम लोग याद करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो बेटर ये है कि जो थ्योरी दे रखी है उसको लर्न करते चलो, और साथ साथ में अपने हिंट के लिए चाहो तो साथ में थोड़ा सा नोट कर सकते हो, अदरवाइज मेन चीज क्या है, तुमको थ्योरी पता होनी चाहिए इसकी। ओके चले आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कहानी आ गई, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, ये भी लाइट से अफेक्ट होता है मैक्सिमम, देखो ज्यादातर दवाइयां लाइट से अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए वेल क्लोज कंटेनर में और एयर टाइट कंटेनर में इसे रखा जाता है। यूज की बात करें, यूज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसका जो सोल्यूशन होगा वो एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 0.02% सोल्यूशन फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर हमको मान लो कहीं स्किन पे इस्तेमाल करना है, या मान लो कई बार कुछ ऐसे सोल्यूशन होते कुल्ला करके बाहर निकाल देते, जो अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारा, गाल के अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके लिए इस वर्ड इस्तेमाल हुआ है म्यूकस, ठीक है ना। और 0.05% फॉर स्टोरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे सर्जरी करी जाती है उसको भी सोल्यूशन में रखा जाता है, ताकि कोई उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस ना लग सके। इट्स लोजेंजेस, देखो लोजेंजेस मतलब क्या होता है, जैसे वो खाते हो तुम लोग स्ट्रेप्सिल्स खाते हो या विक्स चूसते हो, विक्स की जो गोली है एक्चुअल में मेडिकल फॉर्म में अगर उसको पूछा जाएगा तो क्या है, वो एक लोजेंज है, ठीक है ना। एंड पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज क्या होती है, पेस्ट्रीज एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह लगा देते हैं हम लोग, मेडिसिन लगा देते हैं, यूज्ड फॉर फेरेंजियल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन। ये पेस्ट्रीज को हम लोग कहते हैं फेरेंजियल, जो गले का होता है, या वेजाइनल पार्ट जो होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन पेस्ट्रीज को जिसके अंदर ये सोल्यूशन लगा रहेगा बेंजाइल क्लोरामिन क्लोराइड का, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ओके फॉर्मुलेशन की बात करें तो बेंजाइल क्लोरामिन क्लोराइड इसी नाम से ये बनता है और इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनता है। ब्रांड नेम की बात करें, जो बड़ी फेमस ब्रांड है मार्केट के अंदर, एक है जर्मिनल, एक है BTC, एक है ड्रेपोलैक्स, और बहुत सारे हैं, कम से कम दो तो तुम लोगों को याद होने चाहिए। तो ब्रांड नेम हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, किस फॉर्मुलेशन में इसको रखा जाता है। तो जो सबसे टफ पार्ट आएगा या आता है किसी दवाई के बारे में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का रहेगा, जो कि हर किसी का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा और तुमको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा आता है हमारे पास क्या, फिनॉल। फिनॉल की क्या खासियत है, फिनॉल तो सबको ही पता है, सबको जानते होंगे फिनॉल, फिनॉल कैसा होता है, ये रहा फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ठीक है, याद आ गया स्ट्रक्चर देख करके। व्हेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको जो OH वाला पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अटैच टू बेंजीन, जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन से अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। इट इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, इसका ये दूसरा नाम है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कलरलेस है, पिंकिश नीडल शेप क्रिस्टलाइन मास, कलरलेस हो सकता है या पिंकिश, हल्का हल्का पिंक जैसा हो सकता है,
सुई जैसा रहता है और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। इट हैज फिनोलिक ऑर्डर, ऑब्वियसली बात है फिनॉल है तो फिनॉल जैसा ऑर्डर होगा, फिनॉल फिनाइल जैसा। इट, अच्छा ये वर्ड जो है गड़बड़ हो गया है, ये है यहां पर एक्चुअली टर्न और ये टीपीओ नहीं है, ये है टू, दिस इज टर्न दिस इज टू। इट टर्न टू पिंक, ये पिंक कलर में बदल जाता है ऑन प्रोलोंग, प्रोलोंग मतलब बहुत लंबा, बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर टू लाइट, लाइट अगर इसको दिखाते रहे बहुत लंबे समय तक तो ये पिंक कलर में बन जाता है, पिंक कलर में बदल जाता है। डेलिक्यूशेंट, डेलिक्यूशेंट का मतलब वही हो गया, क्या है हवा एटमॉस्फेयर से पानी को खींचेगा और कैसा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से जब कोई चीज पानी खींचती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेलिक्यूशेंट कहते हैं, बताया था मैंने, जैसे कि नमक होता है बरसात के मौसम में कैसा होता है, गीला गीला हो जाता है, डेट इज योर डेलिक्यूशेंट। इट पार्शली सॉल्युबल, पार्शली मतलब थोड़ा बहुत, इन वाटर एंड फ्रीली मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल है, किसमें, अल्कोहल में। बात समझ में आ रही है, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं अगर उनकी हिंदी नहीं पता है तो पॉज करके उन वर्ड्स की हिंदी साथ साथ में लिखते चलें। पार्शली मतलब थोड़ा बहुत और फ्रीली मतलब बिल्कुल ही कायदे से घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिनॉल विद फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड मैं फिर कह रहा हूं फॉर्मूले याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, गिव्स वायलेट कलर, पिंक वायलेट कलर दे देता है फिनॉल, किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ। फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, गिव व्हाइट और येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये थोड़ा सा पार्ट तुम लोगों का लर्निंग रहेगा, तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि ये किसके साथ रिएक्ट करने पर क्या देता है। इट हैज एसिडिक प्रॉपर्टी होती है एंड न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस पे ये न्यूट्रल रहता है। डज नॉट रिएक्ट विद मेटलिक कार्बोनेट, जो मेटल के कार्बोनेट होते हैं जैसे कि Na2CO3, ये मेटल का कार्बोनेट है, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फिनॉल विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मैंने बताया था क्या होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे सिंपल से एक बात कह सकते हैं हम लोग, है ना, अब ये है कि सारे रिएक्शंस अगर इस तरह से लर्न करोगे तो सारे रिएक्शंस को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो हमको क्या दे रहा है ये, और साथ में यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है H2SO4, तो मेरे को क्या मिल जा रहा है OH और 2,4,6 ट्राइनाइट्रो NO2 एंड NO2, क्या मिल जा रहा है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल जा रहा है, दिस इज योर ट्राइनाइट्रोफिनॉल। एक दो तीन है, तीन नाइट्रो है और साथ में क्या है, फिनॉल है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें अगर, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट बिकॉज इट इज डेलिक्यूशन, ठीक है, है ना, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी सबका क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये डेलिक्यूशेंट है। यूज की बात करें, एज एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट तो है ही, ये एंटीमाइक्रोबियल है, एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना, यानी कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी बिहेव करता है। देन एंटी प्र्यूराइटिक, प्र्यूराइटिक मतलब खुजली, प्रूराइटिक का मतलब क्या होता है, खुजली, ठीक है ना, इचिंग वगैरह होना, तो खुजली को भी रोकता है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, दर्द को मारने वाला, पेन किलर की तरह भी ये क्या करता है, बिहेव करता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फिनॉल डायरेक्ट फिनॉल के नाम से भी बनाया जाता है, IPPP या लिक्विड फिनॉल के फॉर्म में बनाया जाता है, या फिनॉल ग्लिसरीन कॉम्बिनेशन में होता है, फिनॉल एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इंजेक्शन बनते हैं, या ऑयली फिनॉल इंजेक्शन बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और ब्रांड नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड या फिनाइलिक एसिड, ये इसके ब्रांड नेम है, जो कि तुम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, क्लियर है, ओके। चौथा आता है हमारे पास क्लोरोजाइलिनॉल, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस विद 2 methyl group, 1 chloro and 1 hydroxyl group, एक बेंजीन है, ठीक है, ये फिनॉल है मेरे पास, 2 methyl group है, एक क्लोरीन ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पर उसके बारे में बात कर दिया इसने। देन बात करें उसके नॉमन केचर की, तो यहां पर इसका क्या है, ये नॉमन केचर भी इसका
दे रखा है 4-chloro-3-5-xylenol, क्लियर है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये व्हाइट है, क्रीम कलर का क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल पता ही है ना, क्रिस्टल मतलब क्या होता है, सॉलिड वाली किसी सॉलिड चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल बोल देते हैं। ये किस मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, हर सॉलिड को क्रिस्टल नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज की खास गंध, वो ना तो मतलब मिलती जुलती नहीं है, जो हमारी रोजमर्रा की खुशबू होती है उससे मैच नहीं खाती है, कुछ अजीब सी होती है, बहुत बुरी नहीं अच्छी नहीं, मतलब वो खुशबू उसी की है, अगर उसकी खुशबू सूंघ रखी है और वो खुशबू यहाँ से गुजरेगी तो वो उसी की खुशबू वहां से आने, जैसे कि सपोज तुम्हारे घर में जब गैस खुलती है तो उसकी खुशबू ना अच्छी है ना बुरी, लेकिन पता चल जाता है कि गैस खुली हुई है ना, तो वो उसकी अजीब सी गंध होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर कहलाती है, उसी की ही ऑर्डर है वो। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में बहुत आराम से इजिली घुल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म है ना, NaCl बन जाएगा मेरे पास। इट डज नॉट गिव एनी कलर विद फेरिक क्लोराइड, FeCl3 के साथ ये कोई कलर नहीं देता है, इवन दो इट हैज फिनोलिक ग्रुप, पीछे हमने फिनॉल देखा था फेरिक क्लोराइड के साथ कलर दे रहा था, बट यहां पर फिनोलिक ग्रुप है उसके बाद भी ये कोई कलर नहीं देता, क्योंकि केवल फिनोलिक फिनॉल ग्रुप नहीं है, इसके साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं, क्लियर है ना, पीछे ध्यान है फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ कोई भी कलर नहीं दे रहा था। ओके, स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें, इट इज क्वाइट स्टेबल, काफी हद तक स्टेबल है, इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आए। इट शुड बी क्लोज इन वेल क्लोज कंटेनर, तो केवल एक टाइट से बंद करके रखो काफी है, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में क्या स्टेबल है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है। यूज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, यूज तो इन सबका एक ही है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, देन फॉर्मुलेशन है हमारे पास, ठीक है। कैसे किस फॉर्म में होता है ये, क्लोरोक्साइरिनॉल, जिस किसी के अंदर मान लीजिए डिटॉल है तो डिटॉल में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा क्लोरोक्साइरिनॉल बीपी, क्लोरोक्साइरिनॉल सॉल्यूशन बीपी, ये स्टेप से लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। ब्रांड नेम की बात करें तो डिटॉल, रॉक्सिनॉल कॉमन, बहुत डिटॉल तो बहुत कॉमन है, सब लोगों ने देख ही रखा है। अब डिटॉल अगर घर में मौजूद है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको खोलना, मतलब खोलना नहीं मतलब उसको देखना, और वहां देखना ये लिखा होगा क्लोरोक्साइलिनॉल, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, क्या है यहां पर, ये फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है यहां पर। तो क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का बहुत कॉमन फॉर्मूला है ना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है CHO, उसी में एक H और जोड़ दो तो क्या बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड। इज अ गैस एंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में मिला देंगे अगर तभी ये क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन बनता है। फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड फॉर्मलिन, अगर 12th क्लास में पढ़ रखा है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, तो वहां पर फॉर्मलिन वर्ड आया था। And it contain 34-38% formaldehyde. इस formalin solution में इतना percent formaldehyde होता है। ये जो सबसे Hello students, welcome to my nurture. मैं हूं कृष्णा। तो चलो start करते हैं आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 से, और ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग कुछ ड्रग्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये ड्रग्स का नाम है जो फंक्शन करते हैं एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, कैसे वर्क करते हैं एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इनमें अंतर क्या है, क्या होते हैं एंटीसेप्टिक्स और क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक बच्चों कोई कुछ बताना चाहेगा, ठीक है कमेंट कर सकता है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक वो दवाइयां होती हैं जो 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 लिविंग थिंग्स पर अप्लाई की जाती हैं, लिविंग थिंग्स पर अप्लाई की जाती हैं, है ना। होती दोनों की दोनों टॉपिकल है, कैसी होती दोनों की दोनों टॉपिकल, टॉपिकल मतलब ऊपर से लगाई जाएंगी, बॉडी के अंदर नहीं डाली जाएंगी, ठीक है ना। ये लिविंग थिंग्स के लिए होती हैं, और डिसइंफेक्टेंट होते हैं नॉन लिविंग, जैसे कि हमने पोछे में लगा के डाल दिया या लैट्रिन बाथरूम में डाल दिया, तो नॉन लिविंग यानी कि सरफेस के ऊपर लगाते हैं, ये नॉन लिविंग सरफेस लिख देते हैं,
अप्लाई ऑन नॉन लिविंग सरफेस, जो कि ऐसे सरफेस जिनमें जान नहीं है उनके ऊपर हम लोग जो दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, कोर्स में जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है केवल उसी का ही स्ट्रक्चर हमको यह लर्न करना है। जिसके ऊपर स्टार नहीं है, फिलहाल यहाँ किसी के ऊपर स्टार नहीं है, उसका हमें स्ट्रक्चर को लर्न नहीं करना है। अगर मैंने लेक्चर बीच में लेक्चर स्ट्रक्चर दे भी दिया है तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिया है, तो केवल कुछ बातें हमको इसकी पढ़नी होती हैं। और वो क्या बातें हैं, देखो किसी भी चीज की, किसी भी ड्रग की हमको क्या क्या बातें समझनी है, उस ड्रग का नॉमोक्लेचर जानना है, नॉमोक्लेचर कैसा है, ठीक है, उस ड्रग का हमको क्या जानना है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। केमिकल स्ट्रक्चर सबका नहीं है, केमिकल स्ट्रक्चर केवल उनका है जिनके आगे स्टार लगा हुआ है। क्या यूज है उनके, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टेबल किस कंडीशन में रहते हैं, कैसे हमें उन्हें स्टोर करना चाहिए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन जो उनके बनाए जाते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, किस किस रूप में होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया में है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में है, और या किसी के साथ मिक्सचर के तौर पर बनाए जाते हैं, और पॉपुलर ब्रांड नेम, मार्केट में अगर कोई ब्रांड की मौजूद है तो वो किस कौन सी है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इस 7 ड्रग्स कौन कौन से हैं, प्रोफ्लेविन, बेंजलकोनियम क्लोराइड, फिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल। वीडियो पॉज करके अगर तुम लोगों के घर में डिटॉल है तो डिटॉल में जाके देख सकते हो तुमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोजाइलिनॉल मिल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन, हेक्साक्लोरोफीन, वर्ड को सही से प्रोनाउंस करना, हेक्साक्लोरोफीन नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो आओ बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक ड्रग को लेकर के, कि एक एक ड्रग की ये जो 8 प्रॉपर्टीज हैं हमको समझनी है। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला ड्रग है हमारे पास प्रोफ्लेविन। क्या बोल रहा है, द बेसिक कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफ्लेविन इज एक्रिडिन। ठीक है, प्रोफ्लेविन, ये प्रोफ्लेविन नहीं है, ये एक्रिडिन है। दो बेंजीन रिंग साइड में लगी हुई है, देखो ये बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग ये है, दिस इज द बेंजीन रिंग। ये क्या है, बेंजीन रिंग है। दो बेंजीन रिंग को ला करके ऐसे इस तरीके से पायरिडीन से जोड़ दो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बीच का स्ट्रक्चर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। ठीक है ना, इन दिस स्ट्रक्चर अ पायरिडीन न्यूक्लियस, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, पायरिडीन। पायरिडीन हमारा कैसा हो जाएगा, इस टाइप से, ओके, इज फ्यूज्ड विद द टू बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग के साथ ला करके इसे फ्यूज कर दिया, एज शोन, जैसे कि यहां पर दिखाया जा रहा है। क्लियर है बातें। अब देखो है क्या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफ्लेविन, अब कुछ नहीं है, इसमें जब हम लोग अमीन ग्रुप को और जोड़ देते हैं साथ में NH2 और NH2, अब जाकर के मेरा क्या बन गया, ये प्रोफ्लेविन बन गया है। तो ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर तुमको लर्न करना है, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नंबर ज्यादा चाहिए लिखना पड़ेगा तो उसको भी लर्न कर सकते हो। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, 3-6 डाई अमीनो एक्रिडिन। क्या है इसका नॉमेनक्लेचर, 3-6 डाई अमीनो एक्रिडिन। क्लियर होगी बातें, नॉमेनक्लेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आगे देखें क्या है। कह रहा है प्रोफ्लेविन कंबाइंड विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के आधे मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनाता है वो होता है प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट। क्या होता है, प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट। यही जो प्रोफ्लेविन है वो एक्चुअल में प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट की फॉर्म में यूज किया जाता है। किसकी फॉर्म में यूज किया जाता है, प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट की फॉर्म में। बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या समझना है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसकी ऊपरी प्रॉपर्टी है ना, ऊपरी मतलब जो ऊपर से देख सकता है, क्या टेस्ट, कलर, स्मेल, ठीक है ना, टेस्ट, कलर, स्मेल, वो मतलब ऐसा तो नहीं हवा के साथ मिलके, जैसे नमक क्या करता है, नमक को अगर मॉइस्चर हो तो नमक पानी के साथ मिलके कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ऐसी कोई चीज तो नहीं दिखा रहा है। तो जिस चीजों को हम लोग अपनी आंखों से सूंघ कर या देख कर पता लगा लें वो सारी प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और ये किसकी है, ये प्रोफ्लेविन हैमी सल्फेट की है। तो क्या है, इट इज ऑरेंज टू रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है। कैसा पाउडर है, ऑरेंज टू रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब बता दे रहा हूं, किसी को नहीं पता, ऑर्डरलेस मतलब नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं होती है, किसी भी टाइप की खुशबू या बदबू नहीं आती है। बिटर, बिटर का मतलब कड़वा होता है,
ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को सोखता है, पानी को क्या करता है, सोखता है, ठीक है, कहां से, हवा से, पानी को सोखता है हवा से। स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, स्लाइटली मतलब बहुत ही हल्का सा कोल्ड वाटर, ठंडा पानी होगा तो बहुत कम उसके अंदर सॉल्युबल होगा, और फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डाल दो तो फटाक से क्या होता है, घुल जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हेमीसल्फेट की, तो केमिकल प्रॉपर्टी यहां से स्टार्ट होती है हमारे पास। अगर हम इसको क्या कर दें, डायल्यूट कर दें पानी के साथ, डायल्यूट मतलब डायल्यूट पता ना, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा पानी डालें, तो आ ग्रीन फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेडियम चमकता है ना, रेडियम पता है, जैसे जुगनू चमक रहा है, रेडियम चमक रहा है, रेडियम पता है ना घड़ियों में और लैंप्स वगैरह में रेडियम लगा होता है, तो ग्रीन कलर की चमक आ जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिला दें तो ये ब्राइट रेडिश ऑरेंज है ना, काफी चमकदार लाल ऑरेंज, नारंगी और लाल कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट ऐसे समझ लो कि सॉलिड जो दानेदार चीजें होती हैं, वो जब ऐसे मान लो दो पानी मिला दिया और उसमें कुछ सॉलिड से निकल के जब बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक सॉलिड फॉर्म होता है पाउडर की फॉर्म में, ये सॉलिड होता कैसा है, पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ये फॉर्म होता है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो देखो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो थोड़ा परेशान करेंगी, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टी लर्न करने वाली चीज है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो कब स्टेबल रहेगा ये, इट इज सिंस इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, लाइट इसको असर डालती है, इसीलिए इट मस्ट बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, एक ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो कि क्या है, वेल क्लोज्ड, एकदम टाइटली टाइट हो एंड लाइट से बचा सके वो कंटेनर। अच्छा, लाइट से जिन दवाइयों को खराब होने की शंकाएं होती है, दवाइयों की बोतल देखिए वो ब्राउनिश ब्लैक कलर की रहती है ना, जो सिरप वगैरह आते हैं ब्राउनिश ब्लैक कलर के रहते हैं, वो जो ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है शीशियों का, वो लाइट को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है, जैसे काला चश्मा लगा लो तो आंखों पे लाइट नहीं आती है, ठीक उसी तरीके से जो ब्राउनिश ब्लैक बोतल्स होती हैं वो लाइट को अंदर जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं। तो इसीलिए एक तो काफी टाइट बंद रखेंगे और ऐसी जगह रखेंगे या तो जहां लाइट ना हो, और अगर गुंजाइश है कि उसको हमें धूप में लेके जाना पड़ रहा है तो ऐसे कंटेनर में लेके जाएंगे जो अंदर लाइट को जाने ना दे। क्लियर होगी बातें। यूज की बात करें तो ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मारेगा, किल करेगा, कितना परसेंट, 0.1 से लेके 1%। ओके, लो कंसंट्रेशन में जब इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम रखेंगे तो ये एंटीसेप्टिक है, हमसे ध्यान रखो। सेम मेडिसिन अगर उसका कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होगी, हमारी स्किन जो होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, और जो फर्श वगैरह है, टॉयलेट वगैरह है, वहां पे तो नॉन लिविंग मतलब उसमें तो कुछ चीज है नहीं, वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी काफी कैसे होते हैं, पूरे पूरे किल करने होते हैं, सफाई ज्यादा चाहिए होती है, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन, उसी मेडिसिन को अगर हम हाई कंसंट्रेशन फॉर्म में यूज करेंगे तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होने लगती है। अगर हम हाई कंसंट्रेशन अपनी स्किन पे रखेंगे तो हो सकता है वो दवा क्या हो जाए, बॉडी के अंदर पेनेट्रेट होकर चली जाए, पेनेट्रेट मतलब स्किन से पार होके अंदर ब्लड में चली जाए, और वो हमको क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है, ठीक है, हमारे बॉडी में पॉइजन की तरह एक्ट कर सकती है। फॉर्मुलेशन कैसे होता है, फॉर्मुलेशन में इसको कैसे यूज किया जाता है, प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट। ये देखो बच्चे, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, दवाई का पत्ता देखना, कोई मेडिसिन ले लो, ठीक है, चाहे सिरप ले लो चाहे मेडिसिन ले लो, यहां पे लिखा होगा कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट, उसमें मान लो जैसे लिखा हुआ है कंपोजिशन, उसमें लिखा रहेगा पैरासीटामोल, क्या लिखा रहता है, पैरासीटामोल 350 IP, ऐसे लिखा रहता है, अगर तुम कायदे से देखोगे अगर आईपी या बीपी, तो ये जिसका फॉर्मुलेशन ये हो गया पैरासीटामोल किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, आईपी या बीपी, ठीक है ना, कोई ग्राम या एमजी है तो उसकी वैल्यू लिखी रहती है, अदरवाइज प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट IP66 इस रूप में क्या होता है, ये दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। क्लियर आ गया, फॉर्मुलेशन हो गया, देन है हमारे पास, ओके ये हो गया हमारे पास फॉर्मुलेशन, और यहां पर शायद इसका ब्रांड नेम लिखना भूल गया हूं, कोई बात नहीं, उसको मैं बता दूंगा बाद में। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, प्रोफ्लेविन पूरा हो जाता है, और नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्या, बेंजलकोनियम क्लोराइड, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बेंजलकोनियम क्लोराइड। आप जानते हैं इसके बारे में कुछ, क्या है ये बेंजलकोनियम क्लोराइड, ठीक है,
इसको क्या करो, यहां तक अगर पढ़ लिया है तो वीडियो को पॉज करके वापस रिपीट करके तो वापस रिपीट सुने इसको और नोट्स बनाते हुए साथ साथ चलें, ठीक है। सेकंड पे आते हैं बेंजिलकोनियम क्लोराइड। बेंजिलकोनियम क्लोराइड इज ए मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर है किस चीज का, अल्काइल बेंजाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब देखो अल्काइल बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल, डाइमिथाइल, एक मिथाइल ये है एक मिथाइल ये है, डाइमिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये तीन चीजों का मिक्सचर है, अल्काइल बेंजाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है बट समझाने के लिए मैंने इसको यहां पर दे रखा है। दे आर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, देख लो ये इसके चारों वैलेंसी इस्तेमाल हो रही है। जब अमोनिया की चारों वैलेंसी इस्तेमाल हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वार्टरनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी, क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्वार्टरनरी बोल देंगे। तो ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये व्हाइट येलोइश व्हाइट पाउडर है, व्हाइट और येलोइश व्हाइट, जेलेटिनस है, कई बार ये जेल जैसा, जेल टाइप है ना, जैसे बाल आलम लगाते हो तुम लोग जेल जैसी चीज होती है वैसा रहता है। एरोमा खुशबूदार होता है, टेस्ट बिटर है, कड़वा होगा, हीट करेंगे तो सेमी सॉलिड चिपचिपे से मास में बदल जाएगा, ये सोल्यूबल होता है किसमें, अल्कोहल एंड वाटर में, क्लियर है। तो ये इसकी क्या थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या बोला, डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब टूट जाना, टूट जाना, ऑन एडिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 डालते हैं इसके अंदर और मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, ठीक है ना, ये ब्रेक कर जाएगा, जो मेरे पास ये पूरा अच्छा खासा कंपोजिशन था ये पूरा कंपोजिशन क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, अगर मैं इसमें क्या मिला दूं, नाइट्रिक एसिड HNO3 डाल दूं या मर्क्यूरी क्लोराइड को यहां पर मिला दूं तो ये ब्रेक कर जाएगा। कह रहा है व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब मैंने बता दिया था, पाउडरी सॉलिड टाइप का फॉर्म होता है, ड्यूरिंग डीकंपोजिशन इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, जो जब ये टूटेगा तो सफेद सफेद पाउडर जैसा बनता है ये, और वो सफेद पाउडर क्या होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ठीक है। बेंजीन न्यूक्लियस कैन बी नाइट्रेटेड, जो बेंजीन न्यूक्लियस है इसका, ठीक है ना, जो बेंजीन वाला पार्ट था, ठीक है, इस तरह से बेंजीन वाला पार्ट है, कैन बी नाइट्रेटेड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेटेड मतलब उसके अंदर हम NO2 को एड कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें NO2 को जोड़ सकते हैं, कैसे, अगर हम इसको रिएक्ट करा दें कंपाउंड को किससे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पता है ना क्या होता है, H2SO4 से, एंड पोटेशियम नाइट्रेट और किससे, KNO3 से, अगर हम इन दोनों से इसको रिएक्ट करा देते हैं तो मेरे बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगी, नाइट्रेट से, इस नाइट्रेट से NO2 निकल करके यहां जुड़ जाएगा। द नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस टू अमीनो ग्रुप वेन हीटिंग विद जिंक पाउडर, अगर इसी को मैं फर्दर रिएक्ट करा दूं किससे, जिंक के पाउडर से रिएक्ट करा दूं तो यही मेरा कंपाउंड किसमें बदल जाएगा, अच्छा कंपाउंड पूरा, मैं केवल बेंजीन रिंग लेके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, साथ में कंपाउंड पूरा रहेगा, ये मेरा NH2 अमीन ग्रुप में है ना, O से H में आ गया इसलिए लिखा हुआ है रिड्यूस हो गया, जब O H में कन्वर्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो गया, किससे हीट कर रहे हैं, जिंक पाउडर से। अमीनो ग्रुप डाई एजोटाइज्ड, ठीक है, इसी को फर्दर आगे हम क्या कर देंगे, सोडियम नाइट्राइड NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्राइड एंड एसिड, कोई एसिड ले लेंगे HCl, इससे जब रिएक्ट करा देंगे तो ये जो मेरा कंपाउंड है, ये जो NH2 वाला था, ये यहां पर इस NH2 को अब मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं, यहां पर है ना डाई एजोटाइजेशन पड़ा होगा, ये अमीन मेरा किसे बदल जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं इसको हम लोग, है ना, तो ये मेरा किसे बदल जाएगा, बदल सकता है इसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है डाई एजोटाइजेशन, तो ये कह दिया है डाई एजोटाइज्ड विद सोडियम नाइट्राइड एंड HCl एसिड के साथ विद बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल सॉल्यूशन
गिव ऑरेंज रेड कलर ड्यू टू एजोडाइज फॉर्मेशन। अगर हम इसको फाइनल किससे रिएक्ट करा दें, बीटा नेप्थॉल से, तो एक्चुअली एन डबल बॉन्ड एन इस टाइप का स्ट्रक्चर बीच में फॉर्म होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड एजो, ये क्या होता है एजो कहलाता है। तो इसकी फॉर्मेशन की वजह से ये क्या देगा, ऑरेंज रेड कलर देगा। अब इतना सारा रिएक्शन या स्ट्रक्चर तुम लोग याद करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो बेटर ये है कि जो थ्योरी दे रखी है उसको लर्न करते चलो, और साथ साथ में अपने हिंट के लिए चाहो तो साथ में थोड़ा सा नोट कर सकते हो। अदरवाइज मेन चीज क्या है, तुमको थ्योरी पता होनी चाहिए इसकी। ओके चले आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कहानी आ गई, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, ये भी लाइट से अफेक्ट होता है। मैक्सिमम देखो ज्यादातर दवाइयां लाइट से अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए वेल क्लोज कंटेनर में और एयर टाइट कंटेनर में इसे रखा जाता है। यूज की बात करें, यूज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जो सोल्यूशन होगा वो एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 0.02% सोल्यूशन फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हमको मान लो कहीं स्किन पे इस्तेमाल करना है, या मान लो कई बार कुछ ऐसे सोल्यूशन होते कुल्ला करके बाहर निकाल देते, जो अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारा, गाल के अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके लिए इस वर्ड इस्तेमाल हुआ है म्यूकस, ठीक है ना। और 0.05% फॉर स्टोरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे सर्जरी करी जाती है उसको भी सोल्यूशन में रखा जाता है, ताकि कोई उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस ना लग सके। इट्स लोजेंजेस, देखो लोजेंजेस मतलब क्या होता है, जैसे वो खाते हो तुम लोग स्ट्रेप्सिल्स खाते हो या विक्स चूसते हो, विक्स की जो गोली है एक्चुअल में मेडिकल फॉर्म में अगर उसको पूछा जाएगा तो क्या है, वो एक लोजेंज है, ठीक है ना। एंड पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज क्या होती है, पेस्ट्रीज एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह लगा देते हैं हम लोग, मेडिसिन लगा देते हैं। यूज्ड फॉर फेरेंजियल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन। ये पेस्ट्रीज को हम लोग कहते हैं फेरेंजियल, जो गले का होता है, या वेजाइनल पार्ट जो होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन पेस्ट्रीज को जिसके अंदर ये सोल्यूशन लगा रहेगा बेंजाइल कोनियम क्लोराइड का, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ओके फॉर्मुलेशन की बात करें तो बेंजाइल कोनियम क्लोराइड इसी नाम से ये बनता है, और इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनता है। ब्रांड नेम की बात करें, जो बड़ी फेमस ब्रांड है मार्केट के अंदर, एक है जर्मिनल, एक है बीटीसी, एक है ड्रेपोलैक्स, और बहुत सारे हैं, कम से कम दो तो तुम लोगों को याद होने चाहिए। तो ब्रांड नेम हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, किस फॉर्मुलेशन में इसको इस्तेमाल रखा जाता है। तो जो सबसे टफ पार्ट आएगा या आता है किसी दवाई के बारे में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का रहेगा, जो कि हर किसी का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, और तुमको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा आता है हमारे पास क्या, फिनॉल। फिनॉल की क्या खासियत है, फिनॉल तो सबको ही पता है, सबको जानते होंगे फिनॉल, फिनॉल कैसा होता है, ये रहा फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ठीक है, याद होगा स्ट्रक्चर देख करके। व्हेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको जो OH वाला पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अटैच टू बेंजीन, जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन से अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। इट इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, इसका ये दूसरा नाम है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कलरलेस है, पिंकिश निडल शेप क्रिस्टलाइन मास, कलरलेस हो सकता है या पिंकिश, हल्का हल्का पिंक जैसा हो सकता है, सुई जैसा रहता है, और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। इट हैज फिनॉलिक ऑर्डर, ऑब्वियसली बात है फिनॉल है तो फिनॉल जैसा ऑर्डर होगा, फिनॉल फिनाइल जैसा। इट अच्छा ये वर्ड जो है गड़बड़ हो गया, ये है यहां पर एक्चुअली टर्न, और ये टीपीओ नहीं है, ये है टू, दिस इज टर्न, दिस इज टू, इट टर्न टू पिंक, ये पिंक कलर में बदल जाता है। ऑन प्रोलोंग, प्रोलोंग मतलब बहुत लंबा, बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर टू लाइट, लाइट अगर इसको दिखाते रहे बहुत लंबे समय तक तो ये पिंक कलर में बन जाता है, पिंक कलर में बदल जाता है। डेलिक्यूशेंट, डेलिक्यूशेंट का मतलब वही हो गया, क्या है, हवा, एटमोसफेयर से पानी को खींचेगा और कैसा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, यानी कि एटमोसफेयर से जब कोई चीज पानी खींचती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेलिक्यूशेंट कहते हैं, बताया था मैंने, जैसे कि नमक होता है बरसात के मौसम में कैसा होता है, गीला गीला हो जाता है, डेट इज योर डेलिक्यूशेंट। इट पार्शली सॉल्युबल, पार्शली मतलब थोड़ा बहुत, इन वाटर एंड फ्रीली मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल है, किसमें, अल्कोहल में। बात समझ में आ रही है, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं अगर उनकी हिंदी नहीं पता है तो पॉज करके उन वर्ड्स की हिंदी साथ साथ में लिखते चले, पार्शली मतलब थोड़ा बहुत, और फ्रीली मतलब बिल्कुल ही कायदे से घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिनॉल विद फेरिक क्लोराइड, मैं फिर कह रहा हूं फॉर्मूले याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, गिव्स वायलेट कलर, पिंक वायलेट कलर दे देता है फिनॉल, किसके साथ फेरिक क्लोराइड के साथ। फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, गिव व्हाइट और येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये थोड़ा सा पार्ट तुम लोगों का लर्निंग रहेगा, तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि ये किसके साथ रिएक्ट करने पर क्या देता है। इट हैज एसिडिक प्रॉपर्टी होती है एंड न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस पे ये न्यूट्रल रहता है। डज नॉट रिएक्ट विद मेटलिक कार्बोनेट, जो मेटल के कार्बोनेट होते हैं जैसे कि Na2CO3, मेटल का कार्बोनेट है, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फिनॉल विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मैंने बताया था क्या होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, गिव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात कह सकते हैं हम लोग, है ना, अब ये है कि सारे रिएक्शंस अगर इस तरह से लर्न करोगे तो सारे रिएक्शंस को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो हमको क्या दे रहा है ये, और साथ में यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है H2SO4, तो मेरे को क्या मिल जा रहा है OH और 2,4,6 ट्राइनाइट्रो NO2 एंड NO2, क्या मिल जा रहा है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल जा रहा है। दिस इज योर ट्राइनाइट्रोफिनॉल, एक दो तीन है, तीन नाइट्रो है और साथ में क्या है, फिनॉल है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, अगर इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट बिकॉज इट इज डेलिक्यूशन, ठीक है ना, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी सबका क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये डेलिक्यूशेंट है। यूज की बात करें, एज एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट तो है ही, ये एंटीमाइक्रोबियल है, एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना, यानी कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी बिहेव करता है। देन एंटीप्रूराइटिक, प्रूराइटिक मतलब खुजली, प्रूराइटिक का मतलब क्या होता है, खुजली, ठीक है ना, इचिंग वगैरह होना, तो खुजली को भी रोकता है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, दर्द को मारने वाला, पेन किलर की तरह भी ये क्या करता है, बिहेव करता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फिनॉल डायरेक्ट फिनॉल के नाम से भी बनाया जाता है, IPPP, या लिक्विड फिनॉल के फॉर्म में बनाया जाता है, या फिनॉल ग्लिसरीन कॉम्बिनेशन में होता है, फिनॉल एंड ग्लिसरॉल इंजेक्शन बनते हैं, या ऑयली फिनॉल इंजेक्शन बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और ब्रांड नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड या फिनाइलिक एसिड, ये इसके ब्रांड नेम है, जो कि तुम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, क्लियर है, ओके। चौथा आता है हमारे पास क्लोरोजाइलिनॉल, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस विद 2 methyl group, 1 chloro and 1 hydroxyl group, एक बेंजीन है, ठीक है, ये फिनॉल है मेरे पास, 2 methyl group है, एक क्लोरीन ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर उसके बारे में बात कर दिया इसने। देन बात करें उसके नॉमेनक्लेचर की, तो यहाँ पर इसका क्या है, ये नॉमेनक्लेचर भी इसका दे रखा है, 4-chloro-3-5-xylenol, क्लियर है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये व्हाइट है, क्रीम कलर का क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल मतलब, क्रिस्टल पता ही है ना, क्रिस्टल मतलब क्या होता है, सॉलिड वाली किसी सॉलिड चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल बोल देते हैं, ये किसी मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, हर सॉलिड को क्रिस्टल नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज की खास गंध, वो ना तो मतलब मिलती जुलती नहीं है, जो हमारी रोजमर्रा की खुशबू होती है उससे मैच नहीं खाती है, कुछ अजीब सी होती है, बहुत बुरी नहीं, अच्छी नहीं, मतलब वो खुशबू उसी की है, अगर उसकी खुशबू सूंघ रखी है और वो खुशबू यहाँ से गुजरेगी तो वो उसी की खुशबू वहां से आ, जैसे कि सपोज तुम्हारे घर में जब गैस खुलती है तो उसकी खुशबू ना अच्छी है ना बुरी, लेकिन पता चल जाता है कि गैस खुली हुई है ना, तो वो उसकी अजीब सी गंध होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर कहलाती है, उसी की ही ऑर्डर है वो। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में बहुत आराम से इजीली घुल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म, है ना, NaCl बन जाएगा मेरे पास। इट डज नॉट गिव एनी कलर विद फेरिक क्लोराइड, FeCl3 के साथ ये कोई कलर नहीं देता है।
इवन दो इट हैज फिनोलिक ग्रुप. पीछे हमने फिनॉल देखा था फेरिक क्लोराइड के साथ कलर दे रहा था, बट यहां पर फिनोलिक ग्रुप है उसके बाद भी ये कोई कलर नहीं देता, क्योंकि केवल फिनोलिक फिनॉल ग्रुप नहीं है, इसके साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई है. क्लियर है ना? पीछे ध्यान है, फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ कोई भी कलर नहीं दे रहा था. ओके, स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें, इट इज क्वाइट स्टेबल, काफी हद तक स्टेबल है, इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आए. इट शुड बी क्लोज इन वेल क्लोज कंटेनर, तो केवल एक टाइट से बंद करके रखो काफी है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में क्या स्टेबल है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है. यूज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, यूज तो इन सबका एक ही है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, देन फॉर्मुलेशन है हमारे पास. ठीक है, कैसे किस फॉर्म में होता है ये? क्लोरोजारिनॉल, जिस किसी के अंदर मान लीजिए डिटॉल है, तो डिटॉल में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा क्लोरोजारिनॉल बीपी, क्लोरोजारिनॉल सॉल्यूशन बीपी, ये स्टेप से लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है ना, ब्रांड नेम की बात करें तो डिटॉल, रॉक्सिनॉल कॉमन, बहुत डिटॉल तो बहुत कॉमन है, सब लोगों ने देख ही रखा है. अब डिटॉल अगर घर में मौजूद है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको खोलना, मतलब खोलना नहीं मतलब उसको देखना, और वहां देखना ये लिखा होगा क्लोरोजाइलिनॉल. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन. क्या है यहां पर? ये फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है यहां पर. तो क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड का बहुत कॉमन फॉर्मूला है ना, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, उसी में एक H और जोड़ दो तो क्या बन जाता है? फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड. इज अ गैस एंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में मिला देंगे अगर तभी ये क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन बनता है. फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड फॉर्मलिन, अगर 12th क्लास में पढ़ रखा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, तो वहां पर फॉर्मलिन वर्ड आया था. And it contain 34-38% formaldehyde. इस formalin solution में इतना percent formaldehyde होता है. ये जो सबसे